कोशिश की गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक हो गए हैं, दोनों में समझौता हो गया है, तो फिर ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अशोक गहलोत की कुर्सी भी जा सकती है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि अगर सचिन पायलट के पूरे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से ये प्रार्थना की है कि सचिन पायलट को कहा जाए। और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की अब दो चीजें सामने आ गई है, एक मई के महीने की और दूसरे दिसंबर के महीने की। अशोक गहलोत 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 साल सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं नेशनल दुनिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ ही अजय माकन और जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके द्वारा जिस तरह से एक दिन दो जगह पर किसान महापंचायतें की गई और इन किसान महापंचायतों के माध्यम से 4 जो सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर उपचुनाव होना है संभवतः मार्च के अंतिम में, यानी इस महीने के अंतिम में या फिर अगले महीने की शुरुआत में निश्चित तौर पर होना है, वहां के लिए जिस तरह से बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 2 किसान महापंचायतें की गई और उसमें जयपुर से लेकर दोनों जिलों में चारों नेता हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठकर गए और तमाम तरह की जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां थी उनको मिटाने के प्रयास किए गए, उनको कम दिखाने का प्रयास किया गया और यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक हो गए हैं, दोनों में समझौता हो गया है। लेकिन जिस दिन ये सारा सब कुछ हुआ शनिवार को, उसी दिन देर रात अशोक गहलोत और पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों को दिल्ली में सोनिया गांधी ने तलब किया। दोनों देर रात दिल्ली पहुंचे, दोनों ने सोनिया गांधी के यहां पर दिन भर की रिपोर्ट दी, इसके साथ ही राज्य सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में बात की, जो उपचुनाव होने हैं उसके बारे में बात की। और सबसे मजेदार बात यह है कि सचिन पायलट और उनके गुट के लोगों को लेकर जो तमाम बातें हैं वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कुछ कुछ वहां पर हुआ है। और जो कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को किस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि लताड़ कर भेजा है, और सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं, मंत्री जो लोग हैं, जो खुद पायलट हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने, उनको तवज्जो देने और उनको किसी भी तरह से सरकार से, सत्ता से, संगठन से दूर नहीं रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच में जो बातचीत हुई है उसकी तमाम चीजें सामने अब आ रही है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को कहा है कि जो 4 विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों पर सारी सरकार को फोकस करना चाहिए, उन पर जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को अभी 2 साल हुए हैं और अभी से अगर एंटी इनकम्बेंसी बनती है, अभी से अगर सरकार के खिलाफ माहौल बनता है तो 2023 के चुनाव से पहले बहुत बुरी हालत होगी। ऐसे में तमाम जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिल रही थी राजस्थान से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, सचिन पायलट के द्वारा, उस पर फोकस करते हुए सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को कहा है कि 4 सीटों को जीतना जरूरी है। और इसके साथ ही ये भी टारगेट दिया है कि कम से कम 3 सीट अगर राजस्थान की सरकार नहीं जीतती है तो फिर ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अशोक गहलोत की कुर्सी भी जा सकती है। अशोक गहलोत की तरफ से जो कही गई है बात सोनिया गांधी को ये कि राजस्थान में जो मार्च का महीना है वो पूरा का पूरा बजट में निकल जाएगा, यानी बजट सत्र में निकल जाएगा। ऐसे में इस वक्त किसी भी तरह से सचिन पायलट या उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो ऐसे वक्त में एक मैसेज गलत जाएगा राजस्थान में, ये माना जाएगा कि बीच में ही मंत्री बदल दिए गए या मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया गया, यानी कि अशोक गहलोत से मंत्रिमंडल नहीं संभल रहा है, मंत्रिमंडल के जो भार है वो नहीं संभल रहा है। ऐसे में सचिन पायलट के लोगों के आगे, सचिन पायलट के विधायकों के आगे अशोक गहलोत की सरकार झुक गई है। तो अशोक गहलोत ने जहां एक तरफ 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम जानकारियां सोनिया गांधी को दी है, राज्य सरकार की जो भी जानकारी है, जो भी अशोक गहलोत की सरकार की जानकारी है, जो भी काम किए जा रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा के गुट के द्वारा, संगठन के द्वारा जो किया जा रहा है उस बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इसके साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि बजट सत्र के दौरान सचिन पायलट के लोगों को न तो मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, न किसी दूसरे को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह भी कहा है कि अगर सचिन पायलट के पूरे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है या फिर उनको राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान दिया जाता है तो फिर जो 13 विधायक निर्दलीय हैं जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के लिए तमाम तरह से प्रयास किए थे और एक महीने तक लगातार अशोक गहलोत के साथ, गुट के साथ होटलों में कैद रहे थे, उन लोगों को स्थान देना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर, सचिन पायलट के लोगों के द्वारा जिस तरह से कटाक्ष किया जाता है, खासतौर से विश्वेंद्र सिंह के द्वारा बार बार कटाक्ष ट्विटर के माध्यम से किया जाता है, बोलने के द्वारा किया जाता है, और कोर्ट खापदा में उन्होंने जिस तरह से कहा कि
किसके मेहनत पे सरकार बनी और उसके बाद जनता के द्वारा जो भीड़ के द्वारा जो आवाज लगाई गई उससे साफ है कि विश्वेंद्र सिंह अपने कटाक्ष करने की शैली से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसको लेकर अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट के लोग सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनको भी दिया जाना चाहिए, उनको निर्देश देकर रोका जाना चाहिए कि अशोक गहलोत की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इसके चलते भाजपा को हमला करने का मौका मिलता है। अकेले अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि बजट सत्र के बाद और जो चार विधानसभा की सीटों के चुनाव होंगे उसके बाद उनके गुट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और राजनीतिक नियुक्तियों में भी स्थान दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से ये प्रार्थना की है कि सचिन पायलट को कहा जाए कि इन चार सीटों के लिए चुनाव प्रचार में अपनी जान झोंक दे और पूरी ताकत लगा दे ताकि राजस्थान की सरकार बची रहे। दोनों नेताओं के बीच में जो लड़ाई है वो बाद में सलट ली जाएगी। लेकिन सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि अगर सचिन पायलट के साथ रहने के बावजूद भी अगर अशोक गहलोत की सरकार इन चार सीटों में से कम तीन सीट नहीं जीतती है तो ये तय है कि मई के महीने में अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाएगी। और जिस तरह की एक दिन पहले ही एक टीवी चैनल के द्वारा भी कहा गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा है कि अशोक गहलोत 3 साल तक मुख्यमंत्री रह सकेंगे, इसके बाद जैसे ही 3 साल पूरी होगी यानी इस साल के दिसंबर में अशोक गहलोत को कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन उससे पहले जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अशोक गहलोत को 2.5 साल पूरी होने पर यानी मई के महीने में ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मई के महीने में, क्योंकि जिस तरह से G23 यानी कि वो जो लोग जो कांग्रेस के टॉप क्लास 23 लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा था और पिछले दिनों जम्मू में जाकर एक सम्मेलन किया था, एक कार्यक्रम किया था जिसमें भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला था। इसके साथ ही कहा था कि इस कांग्रेस को जिंदा रखना है तो आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उन नेताओं की गतिविधि को रोकने के लिए भी अशोक गहलोत का सोनिया गांधी के और गांधी परिवार के निकट रहना जरूरी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर ये 23 नेता गांधी परिवार से इतर बात करते हैं तो फिर गांधी परिवार के द्वारा पांसा फेंका जाएगा और वो ये होगा कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और उन नेताओं की मांग भी पूरी हो जाए कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बन गया है। तो इसके साथ ही गांधी परिवार की भी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए कि उनका जो खास विश्वसनीय व्यक्ति है अशोक गहलोत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता रहे। ऐसे में अगर अशोक गहलोत मई के महीने में जाकर दिल्ली चले जाते हैं, उनको दिल्ली में बुला लिया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो यह निश्चित है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की अब दो चीजें सामने आ गई है, एक मई के महीने की और दूसरे दिसंबर के महीने की। मई का महीना ऑटोमेटिक अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहा है और दिसंबर का महीना जिस तरह से टीवी चैनल के द्वारा दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा कहा गया है अशोक गहलोत 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 साल सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इससे साफ है कि ये तो तय है सचिन पायलट को कांग्रेस की सरकार के इसी कार्यकाल के भीतर मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम साहब।